एनडी वर्सेस सीएसके बीच में जो सुपर स्मैश लीग का मैच होगा, इसका हम इस वीडियो में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पर हम स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन देखेंगे। स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप हर एक फैंटेसी मैच का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर सकते। देखो, अगर हम यहाँ पर इस एनालिसिस में आगे बढ़े तो हम पहले तो वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट पे चलेंगे। तो इस मैच का वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट क्या होने वाला है? देखो, यहाँ पर ये मैच होगा सेडन पार्क हैमिल्टन पे। तो यहाँ का जो पिच होता है आमतौर पे बैट्समैन्स और बॉलर्स को इक्वली सपोर्ट करता है। अगर आप रेशियो देखोगे बैटिंग बॉलिंग का, आपको लगभग इक्वली दिखाई देगा। और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो आपको 136 का यहाँ पर दिखाई देगा। और हर इनिंग में यहाँ पर लगभग 7 विकेट के आसपास गिर जाती है। रेशियो देखोगे आप पेसर्स और स्पिनर्स का, तो आपको स्पिनर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का रेशियो देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर ज़्यादा मैचेस जीती हुई है, 50% मैचेस। और अगर आप यहाँ पर कुछ लास्ट 5 T20 मैचेस देखोगे इस वेन्यू पे, तो देखिए यहाँ पर ये मैच तो लगभग आप देख सकते हो एबंडोन की तरह ही मान सकते हैं हम। मोइस की टीम का यहाँ पर कोई स्कोर कार्ड नहीं है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो मैचेस है इनका भी कोई स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं। देखो, एक मैच है सुपर स्मैश में जो हुआ था, इसका स्कोर कार्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर 217 रन बना दिए थे एनबी की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर, जिससे सिटी बी की जो टीम थी वो चेज डाउन नहीं कर पाई थी, 161 पे ऑल आउट हो गई थी। इस मैच में अगर आप रेशियो देखोगे तो बैट्समैन्स इंपॉर्टेंट थे। बैटिंग फर्स्ट में बैट्समैन्स का जो रेशियो था वो आपको अच्छा दिखाई देगा। चेजिंग में बॉलर्स ने यहाँ पर डोमिनेट किया हुआ है। उससे पहले भी यहाँ पर वुमेन्स सुपर स्मैश लीग का एक मैच हुआ था, इस मैच में WBA वुमेन्स की टीम्स ने यहाँ पर लगभग 175 रन बना दिए थे। वो इस वुमेन्स की टीम उसे चेज डाउन नहीं कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। उससे पहले अगर आप देखोगे सुपर स्मैश लीग का एनबी वर्सेस एई के बीच में एक मैच हुआ था, इस मैच में जो एई की टीम थी उन्होंने 165 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, जिसे एनबी की टीम चेज डाउन कर गई थी आसानी से। आप देख सकते हो रेशियो, देख सकते हो आप, आपको इक्वल दिखाई देगा। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेजिंग में बैट्समैन ने डोमिनेट किया। देखो, मोटा मोटा आपको समझना है, अच्छा स्कोर यहाँ पे बन जाता है, लगभग 180+ स्कोर आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई ज़्यादा यहाँ पर होगा नहीं। और आप यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ा प्रेफर कर सकते हो क्योंकि स्पिनर्स का रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा खासा रहा है। तो हमने पिच रिपोर्ट देख लिया, अब हम यहाँ पर प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन की तरफ चलते। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन देखोगे तो यहाँ पर टीम सिफर्ट ओपन करेंगे केटनी क्लर्क के साथ, वन डाउन आएंगे जीत रावल। अगर आप यहाँ पर मिडल ऑर्डर देखोगे तो इसमें जो कार्टर, उसके बाद यहाँ पर ब्रेट हैम्पटन, ये फॉकर, स्कॉट कगलिजिन, इनका तरफ से आपको मिडल ऑर्डर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन देखोगे तो इसमें स्कॉट कगजेलिन, उसके बाद क्रिस्टन क्लर्क, जे वॉकर और नील वैगनर, इनकी तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले। यहाँ पर कुछ और आप देख सकते हो, बी हैम्पटन और ये फॉकर, ये भी डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो दूसरी टीम इनकी तरफ से बैटिंग ऑर्डर देख लेते, तो देखो यहाँ पर बी स्मिथ ओपन करेंगे बी विगिंस के साथ, वन डाउन आएंगे यहाँ पर विल यंग। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो मिडल ऑर्डर में देखो यहाँ पर बी स्मॉल, टॉम ब्रूस, उसके बाद जे क्लार्कसन, उसके बाद नीचे चलोगे बी रैंडेल, इनकी तरफ से मिडल ऑर्डर होगा। बॉलिंग ऑप्शन देख रहे हो आप, तो देखो थोड़ी बहुत बॉलिंग ये दोनों कर लेते। उसके बाद मेन बॉलर्स में बी रैंडेल, उसके बाद यहाँ पर एजाज पटेल, एल जे लेनॉक्स, उसके बाद आर टूले, इनकी तरफ से मेन बॉलिंग ऑप्शंस होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते, तो देखो हम यहाँ पर परफेक्ट लाइनअप ने कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पहले ही सजेस्ट कर रखे हैं, जैसे यम ये, उसके बाद मिचेल सैंटनर, केटनी विलियम्स, के क्लर्क, स्कॉट कगजेलिन, ठीक है। ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के परफेक्ट लाइनअप की तरफ से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। हम यहाँ पर चलते पावर रैंकिंग फीचर के ऊपर। देखो, आप वन बाय वन हर एक प्लेयर को यहाँ पर देख सकते हो, तो प्लेयर्स को यहाँ पर रैंक किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। जितनी यहाँ पर प्लेयर की रैंक अच्छी, उतना ही उस प्लेयर का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मान के चलना है। देखो, जे लेनॉक्स की से हम शुरू करते हैं। जे लेनॉक्स 10 में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। इनका बैटिंग फर्स्ट में 83 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज दिखाई देगा, चेजिंग में 54 का है। अगर आप रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 130, 38, 39, 83, 66, सॉरी 68, इस तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इन्हें हम इन्हें लॉक कर लेते रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे। वैसे हम यहाँ पर अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। देखो, रेमंड टूल, ये 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके, चेजिंग में इनका 45 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा।
वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो 62, 48, 87, 97 इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म है। और ये दो मैचेस पिछले फ्लॉप गए हैं, लेकिन टैलेंटेड प्लेयर कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। वैसे स्कॉट कगजलिन देखो, ये यहाँ पर विकेट टेकिंग बॉलर है, 10 में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। चेजिंग में इनका 83 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 63, 139, 67 इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म है। तो आप ले सकते हो स्कॉट कगजलिन को अपनी टीम में, आपको बैटिंग से भी थोड़ा बहुत बैकअप दे देते हैं। डीन क्लेवर का देख लेते हैं। देखो डीन क्लेवर 10 में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, इनके खेलने के चांसेस वैसे कम रहेंगे। मिचेल सैंटनर खेलने के चांसेस कम है। क्रिस्टियन क्लर्क देखो 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट में इनका 36 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में 51 का आपको दिखाई देगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो 62, 78, 74 इनके कुछ अच्छे मैचेज है, बीच में 2 मैचेज फ्लॉप गए हैं। ठीक है, तो चाहे तो ले सकते हो आप, खास करके चेजिंग में मस्ट है वीक। और टॉम ब्रूस का देख लेते हैं। देखो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, 10 में से 6 बार ही ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट चेजिंग दोनों 50 फैंटेसी पॉइंट्स के ऊपर इनका एवरेज जाता है, तो हम इन्हें लॉक कर लेते। रिसेंट फॉर्म 118, 36, 56, 52, 83, इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे कैप्टनसी के लिए भी एक बड़े ऑप्शन होंगे। ब्रेट रैंडल का देख लेते हैं। देखो ये 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके। इनका चेजिंग में 43 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो 64, 99, 48 इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म रहा है, तो चाहे तो ले सकते हो आप इन्हें। ठीक है, एक एवरेज ऑप्शन नील वैगनर, ये देखो 10 में से लगभग एक ही मैच खेले जिसमें ये ड्रीम टीम में भी रहे हैं, जिसमें इन्होंने 97 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। तो देखो विकेट टेकिंग बॉलर है। वैसे रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इनका T20I में, तो यहाँ पर एक ही मैच खेले जिसमें 3 विकेट्स निकाली, बाकी कोई इनका खास रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाई देगा। थोड़े से ग्राइंडलिंग में बड़े ऑप्शन मुझे लग रहे हैं। डी ब्राइट ब्रेसवेल खेलते हैं तो आपके टीम में मस्ट अप ही होंगे। विकेट टेकिंग बॉलर अच्छे ऑलराउंडर है, ले सकते हो आप टीम सिपर्ट। देखो ये 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में इनका 53 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में आपको 54 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म 108, 42, 98, 68 इनका यहाँ पर रिसेंट परफॉर्मेंस है टीम सिपर्ट का। ठीक है, आप इन्हें अपने टीम में लॉग भी कर सकते हो, विकेट कीपिंग भी करके जाएंगे। उसके बाद के क्लर्क, ये 10 में से 7 बार ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में इनका 64 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, चेजिंग में आपको ये 37 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो देखो 30, 34, 74, 64 इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म है। तो ठीक है, के क्लर्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो क्वार्टर का देख लेते हैं। देखो जो क्वार्टर 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, इनका बैटिंग फर्स्ट में 55 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 115, और बाकी कुछ मैचेस फ्लॉप, उससे पहले 2 मैचेस अच्छा करके गए। तो थोड़ा सा ग्राइंडिंग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो जो क्वार्टर को। ठीक है, अपने इन पर कभी भी बड़ा स्कोर करके जा सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ब्रेट हैम्पटन देखो 10 में से 5 बार ये भी ड्रीम टीम में रह चुके। चेजिंग में इनका 53 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे तो 112, 39, उसके बाद ये कुछ अच्छी मैचेस गई इनकी। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहते हैं वैसे परफॉर्मेंस में, चाहे तो ले सकते हो। जोश क्लार्कसन चेजिंग में इनका 50 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है। वैसे रिसेंट फॉर्म देखोगे तो ये मैच छोड़ देना, बाकी 3 मैचेस अच्छी गई थी। वैसे कंसिस्टेंसी इतनी इनमें दिखाई नहीं देगी आपको जो क्लार्कसन में, लेकिन बैटिंग से भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करके देते हैं, थोड़ी बहुत और करके जा सकते हैं, एवरेज ऑलराउंडर हो गए। जो वॉकर 10 में से 6 बार ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में 33, चेजिंग में 42 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज आपको ये दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म 54, 35, 41, 40 इनका यहाँ पर रिसेंट फॉर्म रहा है। चलिए नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। देखो रॉस टेलर का देखोगे आप तो खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। जीत रावल देखो वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग भी करके जा सकते हैं थोड़ी बहुत। देखो बैटिंग फर्स्ट में इनका 33 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में आपको ये 35 का दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो काफ़ी एवरेज आपको दिखाई देगा। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। टीम प्रिंजल खेलेंगे तो देख लेंगे हम। विलियम का देखते हैं। देखो इनका 10 में से 4 बार ड्रीम टीम में रह चुके। चेजिंग में 43 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है, वैसे 36 का रहा है, बाकी 78, 103 इनका यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंसेस रहे जो कि काफ़ी अच्छे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की तरफ चलते हैं। हेनरी कूपर को ज़्यादा चांसेस से नहीं खेलेंगे। बेले विनिंग विगिंस, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके। बैटिंग फर्स्ट में 37 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज, चेजिंग में 32 का। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप तो ठीक ठाक है, एवरेज आपको दिखाई देगा। बेन स्मिथ ये भी 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं। 50-50 प्लेयर है। बैटिंग फर्स्ट में इनका 60 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है लगभग,
और यहाँ पर चेजिंग में 35 का आपको दिखाई देगा। रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, ग्राइंडलिंग में ट्राई कर लेना। ब्रेड जॉनसन देखो 10 में से एक बार रिडीम टीम में रह चुके हैं, रिसेंट फॉर्म काफ़ी एवरेज है। जैक गिब्सन खेलने के चांसेस कम है। विलियम क्लर्क देखो कुछ खास इनका फॉर्म नहीं है वैसे। एजाज पटेल देखो ये भी ग्राइंडलिंग में ट्राई करना, कभी कभार अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते। ग्रेग है देखो बैटिंग फर्स्ट में इनका 65 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज दिखाई देगा, वैसे खेलने के चांसेस कम रहेंगे ग्रे के। पीटर डेविड वेकॉक नहीं, फ्रेडरिक वॉकर का देख लेते हैं। देखो इनका बैटिंग फर्स्ट में 36, चेजिंग में 43 फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज दिखाई देगा। रिसेंट में हम कुछ भी खास नहीं, ग्राइंडलिंग में ट्राई कर लेना। लियाम डडलिंग नहीं खेलेंगे, स्कॉट जॉनस्टन ने यहाँ पर नहीं खेलेंगे, एंगस स्को, पीटर राइड्सटेल, उसके बाद मैरायू, अनुराग वर्मा, केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, यम फिशर, उसके बाद भारत पोपली नहीं खेलेंगे, जैक बॉयल नहीं खेलेंगे। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर हमने देखे, अभी से 20 20 स्मॉल का देख लेते, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है 20 स्मॉल का। ठीक है, ओलिंडी ग्रैंड हम नहीं खेलेंगे, सेदराज नहीं खेलेंगे, टीम सऊदी नहीं खेलेंगे, एलमैन नहीं खेलेंगे, जोएल फील्ड नहीं खेलेंगे। पूरा स्क्वाड हमने देख लिया वन बाय वन, हर एक प्लेयर का पूरा डेटा देखने के बाद हमने कुछ प्लेयर्स को लॉक किया है। कौन कौन से प्लेयर हमारे टीम में लॉक, जे लेनॉक्स, उसके बाद स्कॉट कगजेलिन, उसके बाद टॉम ब्रूस को लॉक किया है, नील वैगनर को लॉक किया है। थोड़ा नीचे चलते हैं तो चार ही प्लेयर हमारे टीम में लॉक हुए हैं, तो हम अब अपनी जो स्मॉल लीग की टीम है उसे देख लेते सीधे सीधे। तो चलिए क्रेट टीम में चलते हैं, जो स्मॉल लीग की टीम है उसकी तरफ। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, देखो एक तो टीम सिफर्ट है, उसके बाद बी विगिंस है, तो आराम से टीम सिफर्ट के साथ जाओ। बैटिंग सेक्शन में चलते, बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर पहले तो जो कार्टरिक ऑप्शन होंगे विलियन के साथ आप जा सकते हो, बाकी टॉम ब्रूस आपके टीम में होने चाहिए। अब हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते, देखो यहाँ पर अगर आप प्लेयर चूज़ करने जा रहे हो तो सारे के सारे एवरेज ऑलराउंडर मुझे लग रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं कि जो यहाँ पर मस्ट पिक आपके लिए हो सकता हो। ब्रैट हैम्पटन भी एक अच्छी पिक है, जे क्लर्कसन के साथ जा सकते हो, बी स्मॉल के साथ जा सकते हो, विलियम क्लर्क भी एक अच्छा ऑप्शन है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, देखो स्कॉट कगलिन आपकी टीम में होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलो तो नील वैगनर को आप अपने टीम में ले सकते हो, एक ही मैच खेले जिसमें 3 विकेट इन्होंने निकाली है। जे लेनॉक्स पिछले मैच में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इनको भी हमने लॉक कर लिया है। ठीक है, बाकी हम बैटिंग सेक्शन में थोड़ा सा और मटेरियल उठाते जो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर आप ऑलराउंडर सेक्शन में भी बी विगिंस के साथ जा सकते हैं, वैसे कोई इतना ट्रस्टेबल प्लेयर है नहीं, तो हम यहाँ पर मेन मेन प्लेयर है जो ले लेते हैं। ठीक है, बी स्मिथ को ले लिया, ऑलराउंडर सेक्शन में चलते सेफ ऑप्शन, तो इसमें क्रिस्टियन क्लर्क को ले लिया, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करके देंगे, और बी स्मॉल को भी हमने अपने टीम में ले लिया है, इविंग के भी चांसेस रहेंगे दोनों तरफ से बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट लेने के, टीम को सेव कर लेते। देखो कैप्टनसी के लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है आपके लिए टॉम ब्रूस रहेंगे, लगातार अच्छा करते जा रहे हैं, और वाइस कैप्टनसी आप किसी को भी दे सकते हो, जैसे आई थिंक आप वाइस कैप्टनसी के साथ इनके साथ जा सकते हो, जैसे स्कॉट कगली, नील वैगनर, थोड़ा सा रिस्क लेके। ठीक है, सेफ जाना चाहते हो तो टीम सिफर्ट आपको विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग दोनों से पॉइंट देके जाएंगे, टीम को सेव कर लेते। तो देखो ये हमारी स्मॉल लीग की डेमो टीम है, डेमो टीम ही है, फाइनल टीम आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, एक लॉजिकल वे में टीम बनाने में आप यहाँ पर सक्षम हो जाते हो परफेक्ट लाइनअप का, अगर आप सही से यूज़ करना सीख गए तो। हम यहाँ पर ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर टीम सेलेक्ट कर लेनी, आपको मेन मेन प्लेयर्स आप अपने टीम में लॉक कर सकते हो, जैसे हमने कुछ प्लेयर्स को लॉक किया है, जैसे नील वैगनर हो गए, उसके बाद यहाँ पर टॉम ब्रूस हो गए, नीचे चलते या हम तो यहाँ पर लगभग स्कॉट कगलिन को भी हमने लॉक किया। जनरल टीम के ऊपर क्लिक करना है आपको, तो ग्रैंड लीग का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने। ठीक है, इस तरीके से आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं परफेक्ट लाइनअप पर आके। तो देखिए आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।